जब भी आप बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल पेमेंट की, तो एलसी आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम और बहुत सारा स्ट्रेस बचा सकता है, क्योंकि एलसी के बिहाफ पे जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी पेमेंट कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है, 100% सिक्योर हो जाती है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा सच में जेन्युइन बायर है या फेक बायर है या कोई और फेक बायर बन सा आपके पैसे आपके से सिर्फ माल मंगवाना चाह रहा है और बाद में पैसा देने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है। आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा कैसी जगह पर रहता है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या उसकी लोकेलिटी है, क्या उसका लोकल गवर्नमेंट कहता है, क्या उसका लोकल फाइनेंशियल लॉ कहता है। इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए पिक्चर में आता है लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी। एलसी का नाम आपने बहुत बारी सुना होगा, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि एलसी में पेमेंट करनी चाहिए, एलसी में पेमेंट सामान मंगवा लेते हैं, एलसी करवा लेते हैं, या एलसी में बायर्स पैसे मंगवा लेते हैं, एलसी में यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है एलसी क्या होता है, किस तरीके से इशू होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्क होता है, क्या डिस्क्रिपेंसी इन एलसी होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअल में होता है क्या? देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं होता, एक लेटर होता है फ्रॉम द बायर्स बैंक टू द सप्लायर्स बैंक। मतलब जब आप कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को नहीं पता जो सामने वाला बायर है वो जेन्युइन बायर है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या वो इतना महंगा माल खरीद के आपको पेमेंट कर भी पाएगा। तो उस केस में आप बायर को बोलते हैं कि भाई मेरे को आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बायर अपने बैंक में जाता है, जिस भी बैंक में उसका अकाउंट है या जिस भी बैंक से वो अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, वो उस बैंक में जाता है और अपने बैंक को बोलता है कि ये पर्टिकुलर बैंक है इंपोर्टर का, आप उस बैंक को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए। अब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किस तरीके से होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है ऑन द बेसिस ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल हो सकता है कोई FD, कोई उसका प्रॉपर्टी का मॉर्गेज पेपर हो सकता है, या किसी भी और तरह का उसने इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कराने के लिए कोलेटरल जमा किया हो, मतलब कोई चीज़ गिरवी रखी हो बैंक में। उस जब जनरली जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है बैंक, उससे 10% ज़्यादा वो कोलेटरल रखता है। यानी सपोज बैंक को इशू करना है 100 रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर को, तो वो जनरली एक्सपोर्टर से डिमांड करता है कि आप हमारे पास जो है कोलेटरल 110 रुपये का रखेंगे, 10 रुपये हमारी सिक्योरिटी रहेगी और जो 100 रुपये है उसका हम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देंगे बायर को। आपका जो बायर है वो अपने बैंक में जाता है, कुछ चीज़ें गिरवी रखता है, कोलेटरल जमा करता है, उसके अगेंस्ट में आपका जो बायर का बैंक है, सपोज़ जो बैंक है वो है सिटी बैंक से, और आपका जो यहाँ पे बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक, तो सिटी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजता है, स्विफ्ट जो आपने सुना होगा, स्विफ्ट ट्रांसफ़र जो होता है उसी के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर भेजा जाता है पंजाब नेशनल को। पंजाब नेशनल बोलता है, पंजाब नेशनल फिर आपको इन्फॉर्म करता है, फिर आप आके उन सारे जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे से पढ़ते हैं और आप अप्रूव कर देते हैं, तब उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू होता है। तो बेसिकली ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा होता है कि ये जो बायर है इसकी गारंटी हम लेते हैं, अगर इन केस ये फ्यूचर में जो भी आपका क्रेडिट टाइम अपने सेट किया है 30 दिन या 60 दिन, उस टाइम पे ये पेमेंट नहीं कर पाता तो हम इसका जो कोलैटरल है उसको फॉरफिट करके आपको जो पेमेंट है वो कर देंगे। तो आपका पेमेंट जो है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 100% सेफ हो जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हिस्ट्री की बात करते हुए चले तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो पहली बार इशू हुआ था वो हुआ था 1993 में। लेटर ऑफ क्रेडिट को जो गवर्न करता है वो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स यानी UCP 1993 में एक जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ये तैयार किया गया था अंडर द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बैंक्स के लिए ये सारा का सारा फ्रेमवर्क जो है बैंक्स को दिया जाता है, बैंक इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको इशू करती है और उसको फॉलो करती है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो भी बैंक्स इसको इशू करती हैं वो सेम ही होता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इशूइंग बैंक में गवर्नमेंट क्या है या वहाँ का इकोनॉमिक रूल क्या है या वहाँ का फाइनेंशियल रूल क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट को जो गवर्न करेगा वो गवर्न करेगा ये फ्रेमवर्क UCP 1993 बाई द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो लेटर ऑफ क्रेडिट काम किस तरीके से करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअल में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब आपके बिहाफ पे जब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है तो आपके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी पेमेंट रिसीव कर सकती है, मतलब आपकी कोई कंपनी के नाम पे आपने इशू करवा सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, वो बात अलग चीज़ है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से काम करता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका बैंक टू बैंक का पेमेंट होता है, मतलब आपका जो बायर है वो अपने बैंक को अप्रोच करता है और उस बायर का बैंक बायर के बिहाफ पे आपके बैंक को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकली लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है। स्विफ्ट जैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं उसी माध्यम से आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा जाता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जिसमें कि मोटा मोटा ये लिखा होता है कि आपको पेमेंट कैसी चाहिए, एट साइज चाहिए या जो सारी चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से ये आपके पेमेंट को कम्प्लीटली सिक्योर कर देता है इन केस जो भी आप लोगों का टर्म्स है उस टर्म मतलब उतने दिन बाद अगर आपका बायर किसी भी कारण से पेमेंट नहीं दे पाता, उसकी डेड मौत हो जाती है, कुछ भी कोई भी फलाना रीज़न होता है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, इकोनॉमिक क्रैकडाउन आ गया या कू हो गया, मतलब तख्ता पलट हो गया, कुछ भी होता है, बट वो बैंक जो है अपनी जगह पर बना रहेगा और इन सारी चीज़ों को गवर्न करता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
तो ये सारी चीज़ों को जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवर्न करता है अंडर द यूपीसी 1993। चलिए आपको ये पता लग गया कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कौन इशू करता है, किस तरीके से काम करता है, बट कितने तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला आता है रिवोकेबल इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता था, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता था कि एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होने के बाद जो आपका इशूइंग बैंक है वो किसी भी मोमेंट पे उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अमेंड कर सकता था, चेंजेस कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। वो अब धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो गया, वो नहीं है यूज़ में, अब कोई भी बैंक उसको इशू नहीं करता है। अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है वो होता है इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाता है आपके बैंक को आ जाता है, आप यहाँ से अप्रूव कर देते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बाइंड हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जो इशूइंग बैंक है आपके बिना परमिशन के उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट बस वो एक्सपायर होएगा तो उसके बाद उसमें कुछ एक्शन लिया जाएगा, उसके अलावा उसमें पेमेंट करने के अलावा और कुछ भी उसमें नहीं किया जा सकता। कन्फर्म एलसी क्या होता है? देखिए कन्फर्म एलसी में क्या होता है, एलसी में कितनी पार्टियाँ इन्वॉल्व होती है? एक होता है आपका इंपोर्टर, इंपोर्टर का बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक और एक्सपोर्टर, ये चार पार्टियाँ जनरली एक एलसी में इन्वॉल्व होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो इंपोर्टर का बैंक है मतलब जो बायर का बैंक है वो किसी ऐसी कंट्री में बेस्ड है जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहाँ पे कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, निक्कू हो जाता है, जैसे कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, उस मामले में क्या होता है कि बैंक भी साथ साथ में बैंक का फंक्शन भी खत्म हो जाता है, बैंक ही गायब हो जाती है जगह से, तो आपको पैसा देगा कौन? उस टाइम में क्या होता है जैसे जब ऐसे किसी कंट्री में आपका बायर होता है तो जनरली एक्सपोर्टर क्या बोलते हैं कि मुझे एक कंफर्मेशन एलसी चाहिए, यानी किसी बड़े बैंक से मुझे कंफर्मेशन चाहिए इन केस अगर आपका ये बैंक उड़ जाता है कल की डेट में फॉर एनी रीज़न, तालिबान ने कब्जा कर लिया और बैंक ही बंद हो गया, तो वो जो बड़ा बैंक है वो बड़ा बैंक उस छोटे बैंक के बिहाफ पे आपको कंफर्म करेगा कि इन केस ये कुछ हो जाता है इस बैंक को तो वो बैंक जो है वो आपको पेमेंट आपके बैंक को पेमेंट कर देगा, तो कन्फर्म एलसी इसको कहते हैं। इसमें एक थर्ड बैंक जनरली बीच में आ जाता है इंपोर्टर के साइड से जो कि कंफर्म जो कि जनरली बड़ा बैंक होता है जैसे कि सिटी बैंक हो गया या बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, कोई भी बड़ा बैंक हो गया वो जनरली ऐसे ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। जनरली सिटी बैंक्स बहुत सारे कंट्री में ऐसे इस तरह के ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है, वो कंफर्म करता है छोटे बैंक के बिहाफ पे कि हाँ भाई इस बैंक को अगर कुछ हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो देखिए जो मेजर टाइप ऑफ एलसीज होते हैं वो होते हैं इरिवोकेबल एलसी, रिवोकेबल एलसी, उसके अलावा कन्फर्म्ड एलसी, रिस्ट्रिक्टेड एलसी, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड एलसी, डिफर्ड यूसांस एलसी, पेमेंट एट साइट एलसी, रेड क्रॉस एलसी, बैक टू बैक एलसी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ एलसी। इनमें से जो सबसे ज़्यादा काम में आता है मैं उनके बारे में बताऊंगा, यानी डिफर्ड स्लैश यूसांस एलसी और पेमेंट एट साइट एलसी। डिफर्ड यूसांस एलसी क्या होता है? डिफर्ड यूसांस एलसी ये होता है जब आपको एलसी इशू किया जाता है और उसमें लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद आपको पेमेंट की जाएगी। सपोज आपने जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया यानी एफओबी कर दिया जब शिपमेंट को और आपके जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के हाथ में आ गई और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए हो तो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वो डॉक्यूमेंट जब आप जमा करते हैं बैंक में एलसी के लिए पेमेंट के लिए तो वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम द इशूइंग बैंक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ऑलरेडी एलसी इशू करते टाइम ही लिखा होता है कि सपोज 60 डेज बाद आपकी पेमेंट होगी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, तो उसको जनरली डिफर्ड यूसांस एलसी कहते हैं। इस एलसी को सबसे ज़्यादा इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इस एलसी में क्या होता है कि एक तो माल जो आपका बायर है वहाँ तक पहुँच जाता है और बायर को थोड़ा टाइम मिल जाता है उस माल को मार्केट में बेच के पैसा निकालने में, फिर वो बाद में वो पैसा बैंक को दे सकता है और अपनी पेमेंट करवा सकता है टाइम से पहले ही, मतलब एक्सपायर होने से पहले ही, और जनरली एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो कोलेटरल होता है उसको फॉरफिट कर लिया जाता है, तो वो नहीं चाहता कि वो हो। तो जनरली यूसांस रिफंड एलसी को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा पेमेंट एट साइट एलसी भी होती है, मतलब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स को जमा किया बैंक में तो उसके 10-12 दिन के अंदर, मतलब ऑब्वियसली जब आप अपने लोकल बैंक में उसको जमा करेंगे तो लोकल बैंक आपके जो ओवरसीज बैंक है जो कि इशूइंग बैंक है उससे अप्रूवल लेगी डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद, डॉक्यूमेंट वहाँ पे अप्रूव किए जाएंगे उसके बाद वो पेमेंट करेगी, तो ये सारे प्रोसेस में अराउंड 10-12 दिन का टाइम लग ही जाता है। तो पेमेंट एट साइट एलसी और डिफर्ड यूसांस एलसी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिया में और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। तो ये सारे के सारे एलसीज के टर्म थे मेजरली जो जिसमें से जो काम की थी मैंने वो आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। लेटर ऑफ क्रेडिट आप लोगों को समझ में आ गया, कितने तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं ये समझ में आ गया, किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है ये समझ में आ गया, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हाँ जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को अवेल करने के लिए, जो बेनिफिट है ये जो बेनिफिट इंटरनेशनली दिया जाता है बाय आईसीसी, इसको आपको फ़ायदा उठाने के लिए कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है? देखिए बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए आप लोगों को चाहिए होता है इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, शिपिंग बिल, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये 5 डॉक्यूमेंट मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जनरली किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ये जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बीएल, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपका हो गया, शिपिंग बिल कस्टम्स की तरफ से हो गया, बीएल शिपिंग लाइन की तरफ से हो गया,
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो गया, और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है। ये पाँच डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आप लोगों को बैंक में बाद में प्रेजेंट करना होता है एलसी के टाइम पे, पेमेंट को लेते टाइम पे ये पांच डॉक्यूमेंट जनरली आपको बैंक में प्रेजेंट करना होता है। ये सारा ओवरऑल एलसी का मोटा मोटा हिसाब किताब था, एलसी किस तरीके से काम करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से इसमें कितने तरह के एलसीज होते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूँ एलसी में भी कई तरह के घोटाले, तो ये नहीं होता कि एलसी, अब देखिए कि कुछ भी होता है ना उसमें 1% लूपहोल कहीं ना कहीं निकल जाता, तो एलसी में भी थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है सारी पार्टीज का। इसमें थोड़ा बहुत रिस्क बायर का भी होता है, सेलर का भी होता है, बायर बैंक का भी होता है, इंपोर्टर बैंक का भी होता है, ये सारे के सारे इन सब में थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सारे लोग भी किस तरीके से रिस्क में होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एलसी में भी फ्रॉड किस तरीके से होता है। देखिए एलसी में भी सपोज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अब मैं एक्सपोर्ट का सिनेरियो बता देता हूँ, आप इंपोर्ट कर रहे हैं बट आपने बोला कि मैं फलाना एक्सपोर्टर को नहीं जानता तो मैं एलसी में पैसे भेजूंगा, भैया आप माल भेज दो। अब वो एक्सपोर्टर मान गया आपसे कि हाँ भैया मैं माल भेज दूंगा, आप एलसी करा दो। आपने यहाँ से एलसी करा दी, वहाँ उसको एलसी रिसीव हो गई, वहाँ से उसने माल उठा के भेज दिया। अब इसमें होता ये है, अब इसमें देखिए एक पॉइंट एक और आ जाता है, अब उसने जो माल भेजा है ना आपको वो बहुत ही बेकार खद्दड़ क्वालिटी का, एकदम बिल्कुल ही इन्फीरियर क्वालिटी का हो सकता है, उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका बैंक लायबल होगा एलसी की पेमेंट करने को टू द एक्सपोर्टर्स बैंक। जो भी आपने टाइम अगर इशुएंस आपने वो डिफर्ड या यूसान एलसी कर रखा है तो एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको वो पेमेंट आपकी बैंक से उसके बैंक तक चली जाएगी। अगर आपने एट साइट कर रखा होगा तो एट साइट उसके देने के बाद ही 10-12 दिन के अंदर उसको पेमेंट हो ही जाएगी। फिर चाहे आपका जो माल का क्वालिटी हो बहुत बेकार हो, कचरा भेज दिया हो उसने, अगर उसने वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया एग्जैक्टली जो आपने एलसी में लिखा हुआ था तो उसको पेमेंट हो ही जानी है। जो क्या कहते हैं इंपोर्टर का बैंक है ना, यानी एप्लीकेंट का बायर का बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क में होता है। कई बार क्या होता है कि जब वो बायर आपका एलसी बनाता है ना एलसी के लिए वो करता है, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस देता है, कुछ भी कोलैटरल जमा करता है या कुछ भी किसी भी तरीके से वो एलसी बनाता है अपना क्रेडिट वर्दीनेस देख के, जो भी उसका रिकॉर्ड है अच्छा बैंक उसको एलसी बना के देती है, तो कई बार उसका इंसॉल्वेंसी हो जाना, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर उस टाइम पे बायर का जो बैंक है वो लायबल हो जाता है आपके बैंक को पेमेंट करने के लिए। तो उस टाइम पे जो रिस्क है कहीं ना कहीं जो एप्लीकेंट यानी बायर का बैंक है, इशूअर का बैंक है, ओवरसीज वाला बैंक जो आपको पैसे भेजेगा उसकी थोड़ी बहुत लाइबिलिटी यहाँ बन जाती है। इसमें सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे आता है जो एक्सपोर्टर का रिस्क होता है, यानी आपका क्या रिस्क है इसमें। पूरे में जो बंदा माल भेज रहा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका भी रिस्क होता है। अब रिस्क क्या होता है कि वो क्या पता खुद ही जो लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस उसके साथ कॉम्प्लाई ना कर पाए, सारे वो डॉक्यूमेंट्स बाद में वो प्रोड्यूस ना कर पाए जो कि क्या कहते हैं एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन। सपोज आपने वो मिस कर दिया, क्या कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना ही मिस कर दिया, क्योंकि जनरली आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेट ओरिजिन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे कंट्रीज में तो आपको आदत है भैया हम तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के झमेले में नहीं पड़ते, हम सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। जिस भी आप कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे अब तक आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू नहीं किया, बट आपने जब एलसी आपके बायर ने इशू करी तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट लिखा था कि हमको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी देना पड़ेगा तभी आप कंप्लाई करोगे, बट आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना भूल गए, शिपमेंट को निकाल दी, तो उस टाइम पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसको डिस्क्रिपेंसी इन एलसी कहते हैं, यानी डिस्क्रिपेंसी हो गई आपकी तरफ से, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आप कंप्लाई नहीं कर पाए। ये एक एग्जांपल था, इसके अलावा और भी कई तरह की डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। कई बार आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कई बार कुछ किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गई, यानी बीएल में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया, बायर सेलर किसी भी तरह का कोई कंटेनर नंबर मिस हो गया, शिपिंग बिल नंबर मिस हो गया, इस तरह के 4-5 मेजर तरीके के डिस्क्रिपेंसीज होते हैं जिसका ध्यान रखना, जिसको कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिस्क्रिपेंसी अगर आ जाती है एलसी में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका जो बैंक है वो ओवरसीज यानी बायर के बैंक से परमिशन लेगा, और बाद में बायर का बैंक ही उस एलसी को अमेंड करेगा और फिर आपके एक नया एलसी आपको भेजा जाएगा, फिर वो एलसी के उस एलसी के माध्यम से आपको पेमेंट की जाएगी। पुराना वाला एलसी जो है उसको अमेंड करेगा ओवरसीज वाला बैंक ही, आपका जो बैंक है यानी आपका जो सेलर का जो बैंक है, आपका जो बैंक है वो कुछ नहीं कर सकता, वो आपके बायर के बैंक से पूछेगा, यानी इशू जो जिस बैंक ने इशू किया है एलसी उस बैंक से पूछा जाएगा, वो बैंक अगर अप्रूव करता है तब जाके उस एलसी को अमेंड किया जाएगा और बाद में उस एलसी के अराउंड आपको पेमेंट की जाएगी। तो ये था मोटा मोटा एलसी का सिनेरियो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कहाँ ये यूज़ होता है, कब ये इशू किया गया था, कौन इसके रूल्स को गवर्न करता है, कितने तरह के एलसीज होते हैं, डिस्क्रिपेंसी इन एलसी क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, उसका जो जनरल प्रोसीजर होता है डिस्क्रिपेंसी का वो काफ़ी लंबा होता है। तो जब भी आप एलसी इशू करें, जब भी आप एलसी के अंडर काम करें तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से चेक करें और डॉक्यूमेंट्स के साथ अच्छे से कंप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करें, बंच बनाएं और उसको बैंक में जमा करें।
और अपनी पेमेंट को सिक्योरली ले ले। एलसी कहीं ना कहीं 99% सिक्योर होता है, बहुत ही कम एक्सेप्शनल मामले होते हैं जब बैंक ही उठ जाता है या किसी तरह का कोई इंसॉल्वेंसी का केस आ जाता है या कहीं पर एक्ट ऑफ वॉर होता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1% रिस्क होता है। इसके अलावा एलसी कहीं ना कहीं पूरी तरह फ्रॉड प्रूफ एक पेमेंट मैकेनिज्म है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिनेरियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल पे हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।